मधुबनी जिले में लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही विजयनगर प्रखंड के कमला नदी के पवित्र उत्तर वाहिनी पश्चिम तट पर भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयनगर के कमला घाट पर अस्त होने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना किया। चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के तीसरे दिन छठवर्ती जहाँ कमला तट पर भगवान भास्कर की आराधना में लीन दिखी, वही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अस्त होने वाले भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान कमला तट पर छठ पूजा के पारंपरिक गीत से पूरा कमला तट गुंजायमान होता रहा। आपको बताते चले कि चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के प्रारंभ नहाय खाए से शुरू होकर अंतिम दिन शुक्रवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित कर करेंगे, जिसके साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ की समाप्ति होगी। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।